वैसे काफी बहुत भीड़ लगी हुई है, आप देख रहे हैं चारों तरफ जनता मंडरा रही है, कुछ लोगों से हम बात ही कर रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिले से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वैसे पूरी जो रोड यहाँ पे है बागपत की, वो जाम है और ज़्यादातर आपको मर्द ही दिखेंगे, पुरुष ही दिखेंगे। महिलाएं हमको ढूंढे ढूंढे मिल नहीं रही हैं, मीडिया की महिलाएं भी यहाँ पर गिनी चुनी आ चुकी हैं, तो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में जो नफरत की जो राजनीति कर रहे हैं, उस नफरत को मिटाने के लिए हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। माने श्री राहुल गांधी जी वो गांधी हैं जो न डिगने वाले हैं और न हटने वाले हैं, और हमारे राहुल गांधी जी एक मानवता की राजनीति करते हैं। लोग भले कितना बोले, कितनी यात्रा हो जाए, लेकिन जब नतीजे आते हैं, जब गिनती होती है, तो बीजेपी ही जीतती है। बहन जी, सबसे बड़ी सिस्टम यही है इनका कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन से लेकर के सभी इन्होंने अपने जो सरकारी कंपनियां हैं सभी अपने कब्जे में कर रखी हैं। उन सरकारी कंपनियों को छुटकारा दिलवाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। तो आपको लगता है कि छुटकारा मिल जाएगा जब सत्ता में सरकार है, केंद्र में है, प्रदेश में है, तो आपको क्या लगता है कि क्या है चुनौती? ये हम लोगों का जुनून है, हम लोगों का जोश है, जज्बा है, जरूर छुटकारा दिलवाएंगे। और ये किसानों के हित में माननीय श्री राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, मैं इस यात्रा का हिस्सा बनूंगा और इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी के साथ चलूंगा। और देखिए, ये यात्रा राजनीति के लिए नहीं है, और जहां तक बुंदेलखंड की समस्याओं की बात है, तो बुंदेलखंड में जब बुंदेलखंड का विशेष ध्यान कांग्रेस की सरकार में दिया गया, जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तो बुंदेलखंड को विशेष पैकेज दिया गया। बुंदेलखंड में सिंचाई की व्यवस्था कांग्रेस की सरकारों में किया गया, बेतवा केन लिंक जो है करके सिंचाई का भी इंतज़ाम वहाँ करने का काम किया गया। तमाम ऐसे कुटीर उद्योग को बुंदेलखंड में कांग्रेस ने मौका दिया, जैसे मऊरानीपुर में हैंडलूम के काम को बढ़ावा कांग्रेस की सरकार ने दिया, और भी तमाम काम कांग्रेस की पार्टी की सरकार में बुंदेलखंड में किए गए हैं। अभी जरूरत क्या है, आप जो जिस युग में हम जी रहे हैं, अभी आपको क्या क्या लग रहा है कि अभी के लिए मुख्य मुद्दे अब क्या हैं? मुख्य मुद्दा है महंगाई रुके, बेरोजगारी खत्म हो, किसानों को न्याय मिले, उनका हक मिले, उनको उपज का सही पैसा मिले, हमारी माँ बहनों की इज्जत सलामत रहे, लाइन ऑर्डर सही हो, बेरोजगारी दूर हो। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।